असलम एवरी वन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक है गायनोस्पोरिन यानी कि आज हम बात करेंगे कि गायनोस्पोरिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे गायनोसपोरिन ये एक एंटी फंगल ड्रग है और इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है उसका नाम है क्लोट्रेमासोल और ये क्रीम और टेबलेट दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एन की फार्मास्यूटिकल ये था गायनोसपोरिन का इंट्रोडक्शन अब हम इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जिनमें आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं गायनोस्पोरिन को आप एरिथ्रेसमा में यूज कर सकते हैं एरिथ्रासमा ये आपके स्किन के एक इन्फेक्शन है जिसमे आपके स्किन में रेडनेस हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें इचिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है मतलब की आपकी जो स्किन है उसमें आपको खुजली हो सकती है वो सुर्ख हो सकती है या फिर आपको उसमें खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें जलन हो सकती है और ये जो एरिथरासमा है, है ये आपके स्किन फोल्ड ज्यादातर होती है मतलब कि जिन जिन जगह पर आपके स्किन में फोल्ड्स हैं उन जगह पर ये होती है मिसाल के तौर पर आपके बगल में हो सकती है और इसके अलावा ये जो आपकी दो उंगलियां हैं उनके दरमियान के हिस्से में हो सकती है और सेम इसी तरह आपके में हो सकती है मतलब की आपके जो टांगे है और उनके दरमियान का जो हिस्सा है उसमें ये इन्फेक्शन हो सकती है मतलब जिन जिन जगह पर भी आपकी बॉडी में कोई फोल्ड्स है उन जगह पर ये इन्फेक्शन हो सकती है सो इस कंडीशन में आप गायनोसपोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा गायनोस को आप म्यूकोटेनियस कैंडिडाइसिस में भी यूज कर सकते हैं म्यूको मतलब ये है कि में होती है एक और एक होती है और इन दोनों के में एक बाउंड्री होती है या फिर यूं कहलें कि एक जंक्शन होता है अगर उस बाउंड्री या फिर उस जंक्शन में कोई इन्फेक्शन हो तो फिर भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको में भी यूज कर सकते हैं का मतलब ये है कि अगर आपके मुंह या फिर आपके गले में कोई फंगस इन्फेक्शन है तो फिर भी आप गाइनोसपोरिन का यूज कर सकते हैं और ये जो है इसमें आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आपके मुंह में रेडनेस हो सकती है और खास तौर पर इसमें आपके जो मसोड़े हैं उनमें स्वेलिंग या फिर पेन हो सकती है और इसके अलावा आप उसको अगर जरा सा टच करते हैं तो फिर उसमें से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो सकती है और इसके अलावा एक इसकी अहम अलामत ये भी है की आपकी जो जुबान है उसके ऊपर एक फोमी सी व्हाइट सी लेयर बन सकती है है सो so, इस तरह की अगर कंडीशन है तो फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको टीनिया कॉर्पोरिस में यूज कर सकते हैं ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमे आपके स्किन के ऊपर सर्कुलर रैशेस बनते हैं और इन सर्कुलर रैशेस को हम रिंग वम बोलते हैं सो so, अगर आपकी बॉडी में रिंग वम है या फिर सर्कुलर रैशेज है या फिर इससे भी आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर आपकी बॉडी में तदरी है तो फिर भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप टीनिया वर्सी कलर में भी यूज कर सकते हैं ये भी आपके स्किन के एक फंगस इन्फेक्शन है जो कि आपके स्किन में जो पिगमेंट होता है ये उसके साथ इंटरफेयर करती है मतलब कि आपके स्किन में एक ऐसा मादा है जो आपके स्किन को कलर देता है और ये इंफेक्शन उस पिगमेंट के साथ या फिर उस मादे के साथ इंटरफेयर या फिर उसके साथ छेड़खानी करती है जिसकी वजह से आपके जो स्किन है उसमें पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं मतलब की आपके स्किन जो है वो बहुत व्हाइट होना शुरू हो जाती है उसमें दब्बे बनना शुरू हो जाते हैं कहीं से आपके स्किन नॉर्मल रहेगी और और कहीं कहीं से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आने लगेगी या फिर हैं और आपके स्किन के एक इनफेक्शन है और ये भी आपके स्किन फोल्ड में ज्यादातर होती है और इसमें भी आपको एचिंग हो सकती है मतलब की आपको खुजली या फिर आपके स्किन में खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपके स्किन रेड हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें इरीटेशन या फिर बेचैनी हो सकती है सो so, ये कुछ अलात है जो आपको हो सकती है और ये जो एरिथ्रेसमा और टीनिया क्रियोरिस है इन दोनों में फर्क ये है की एरिथ्रेसमा ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि क्रियोरिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है सो so, इन दोनों कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप टेनिया पेडिस में भी यूज कर सकते हैं ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो की ज्यादातर आपके पाओ में होती है और इसका दूसरा नाम है एथलीट्स फुट मतलब की आप इसको एथलीट्स फुट में भी यूज कर सकते हैं और ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि खिलाड़ियों में होती है जो लोग खेलते हैं उनके पाओ में ये ज्यादातर होती है और उनकी उंगलियों में ज्यादा होती है उनकी उंगलियों में ये इन्फेक्शन होती है और उसमें जख्म बनाती है और फिर उसके बाद उसके जख्म पर इचिंग या फिर उसमें जलन या फिर उसमें खुजली या फिर उसमें खारिश होती है सो इस कंडीशन में भी आप, आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप वेजनल थ्रश में भी यूज कर सकते हैं ये एक इसका अहम यूज है और वेजायनल थ्रश ये एक इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट की वजह से होती है और यीस्ट ये एक फंगस की टाइप है जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है और अगर आपकी बॉडी में ये विजाइनल इन्फेक्शन या फिर ये जो विजाइनल थ्रश है अगर ये, ये आपकी बॉडी में हो तो फिर इसकी वजह से आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें जलन हो सकती है और इसके अलावा आपके पेशाब में स्मेल आना शुरू हो सकती है और इसके अलावा आपको विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और इसके अलावा उसमें स्मेल आना शुरू हो सकती है सो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको वेजीनाइटस में भी यूज कर सकते हैं ये भी एक वेजाइनल इन्फेक्शन है इसमें भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसमें भी आपको डिस्चार्ज हो सकता है और इसके अलावा उसमें आपको इचिंग या फिर खुजली या फिर खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आप इसको ट्राई कॉमोनल वेजीनाइटस में भी यूज कर सकते हैं ये भी आपकी एक वेजाइनल इन्फेक्शन है लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है मतलब अगर आपका कॉन्टेक्ट एक से ज्यादा लोगों के साथ है तो तो फिर ये इन्फेक्शन आपको हो सकती है सो so, इन तमाम कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं Overall, अगर हम बात करें, तो ये एक है। आप इसको में कर सकते हैं। अगर आपको है, या फिर आपको ट्राइकोमोनल वेजीनाइटिस है इन तमाम कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का तरीका सेम ऐसे ही है जैसे आप वेजीबिक्ड क्रीम का यूज करते हैं मतलब की इसमें एप्लीकेटर्स होता है और उस एप्लीके टर्स में पहले आपने इस क्रीम को फिल करना होता है और फिर फिल करने के बाद आपने इसको में इंसर्ट करना होता है और ये भी नॉर्मली डेज ही यूज की जाती है है और ज्यादा बेहतर ये कि आप इसको रात को सोने से पहले यूज करें ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा एबजॉर्बेशन हो सके या फिर यूं कह लें कि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और इस क्रीम को प्रेगनेंसी में भी यूज किया जा सकता है लेकिन पहले तीन मंथ आपको परहेज करना चाहिए क्योंकि इस दौरान में आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा स्टेबल नहीं होती सो इस इसलिए आपको परहेज करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे यूज करने चाहिए सो यही थे क्रीम के अब हम इसके या फिर, तो फिर वॉमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपको एबडोमल पेन हो सकती है मतलब की आपके पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें आपको पेन हो सकती है और इसके अलावा आपको प्रियोराइटस हो सकता है मतलब की आपको शदीद किस्म की खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको जलन हो सकती है और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है और इसके अलावा आपको मतलब खुजली हो सकती है या फिर आपको इरीटेशन हो सकती है और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को इस्तेमाल करने से आपकी नजर खराब हो सकती है मतलब की आपकी जो विजन है उसमें धुंधलापन हो सकता है और इसके अलावा आपको यूरिथरल इरीटेशन हो सकती है मतलब की आपके पेशाब की जो नाली है उसमें आपको बेचैनी हो सकती है उसमें जलन हो सकती है या फिर आपको उसमें डिसकंफर्ट फील हो सकता है सो यही थे गायनोस्पोरिन के यूजेस एंड साइड इफेक्ट आज की वीडियो को यही पर खत्म करते हैं वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें